कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कांग्रेस के इन नेताओं के मुंह से कभी भी कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के लिए कैसे पैसे लूटे हैं, एक शब्द बोलते हैं क्या? कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे लेकिन आपके हक में आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। केरला के लोगों को एलडीएफ यूडीएफ दोनों से सावधान रहना है। केरला में भले ही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के लोगों को आतंकवादी कहती है लेकिन दिल्ली में ये लोग एक साथ बैठकर चुनावी गठजोड़ करते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। यहां केरला से बाहर निकलते ही पड़ोस में तमिलनाडु में ही दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहां भाषण देते हैं कि आतंकवादी है और वहां मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और जो लेफ्ट वाले लोग कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते थे अब वो खुद उनसे परिवारवाद के फायदे क्या है इसके टिप्स ले रहे हैं। ये लोग इंडी अलायंस बनाकर साथ आए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी इनके लूट के सब ठिकानों को ठप कर रहा है। इसलिए चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस सबके निशाने पर मोदी ही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं बीजेपी और एनडीए को दिया गया आपका एक एक वोट गरीब के एक एक पैसे का हिसाब करेगा।